ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे शहर में लोग सांस सांस के लिए मोहताज हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जहां लोगों को ऑक्सीजन के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहना पड़ेगा। जिला अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पतालों की हालत ऐसी हो गई है कि लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन के अभाव में शहर के सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में लोग लगातार दम तोड़ रहे हैं। जिला अस्पताल से लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऐसे में होम आइसोलेशन में पड़े मरीजों की तो कोई सुध ही नहीं ले रहा है। लगातार शहर में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं कोरोना वायरस के भी आंकड़े डरा रहे हैं। प्रशासन शहर में बफर जोन बनाकर ऑक्सीजन की सप्लाई करने की बात कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से अस्पताल ही खाली है। लोगों को बहुत धीमी और कम मात्रा में ऑक्सीजन गैस दी जा रही है जिससे वे लंबे समय तक चल सके। तो वहीं कंट्रोल रूम में फोन किया जाता है तो वहां लोगों को तमाम नंबर दिए जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वहीं सीएमएस सतीश वर्मा ने बताया कि जल्द ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट लगने जा रहा है जिससे लोगों को राहत मिलेगी। प्रशासन व्यवस्थाओं को लेकर फेल नजर आ रहा है, लेकिन सरकार में बैठे लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। नहीं, पूरे देश में ही संक्रमण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इतने सबके बाद भी, सरकार की एडवाइजरी जारी होने के बाद भी, मीडिया के माध्यम से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है, फिर भी लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये लापरवाही हर सूरत में बंद होनी चाहिए। शासन और प्रशासन लगातार सख्त होता जा रहा है। कोई भी कारण से ये संक्रमण समाज और देश हित में नहीं है। सर, जिला अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर बहुत ही दिक्कत बताई जा रही है। कई मैसेज ऐसे वायरल हो रहे हैं व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर, अस्पताल ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं। नहीं, स्थिति गंभीर है, लेकिन अभी मेरे यहाँ किसी भी मरीज की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु नहीं हुई है। उन्हें और बीमारी थी गंभीर, हम किसी न किसी रूप में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, उनको हम गंभीर लोगों को लगाते हैं। सर, पूरी मात्रा में ऑक्सीजन आपूर्ति हो रही है सर? कोशिश, डीएम साहब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो। सर, ऐसे में सुनने में आ रहा है कि सर जिला अस्पताल में एक ऑक्सीजन का प्लांट लगाने की बात कही जा रही है। जी, उसका एक हफ्ते पहले सर्वे हुआ था और डीएम साहब ने विशेष अनुमोदन इसको भारत सरकार को भेज दिया है, उस पर अति शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद है। सर, आरटीपीसीआर जैसे जांच के लिए सर लोगों की बहुत भीड़ है, बेहद त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत के रिजल्ट के लोगों की जांच कराने लग रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है सर, ऐसे कोई व्यवस्था पहले से नहीं की? नहीं नहीं, व्यवस्था की बात नहीं, एडवाइजरी हमारे पास पहले नहीं थी। लोग जल्दी के चक्कर में अपनी एंटीजन जांच कराना चाहते हैं, जो यहाँ संभव नहीं है, कि उसकी किट की मात्रा सीमित है, जो गंभीर रोगियों के लिए है या इमरजेंसी मरीजों के लिए है या कोविड मरीजों के लिए है। सभी के लिए एंटीजन जांच हम नहीं करवा सकते। आरटीपीसीआर जांच करवाएं, वो लोग थोड़ा धैर्य रखें। हम लगातार सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक सभी कोविड जांच कर रहे हैं। सर, 1 तारीख से 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, बड़ी तादाद में सर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, सर उसके लिए क्या व्यवस्था है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिनका कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा, जिला अस्पताल ने उसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। ऑफलाइन का सेशन क्या है? ऑफलाइन के लिए हम अलाउ बिल्कुल नहीं करेंगे।